फ्रैंक एक विशेष सैनिक हुआ करता था, लेकिन अब वह भाड़े का ड्राइवर है। वह दक्षिणी फ्रांस में रहता है और उसे ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह आजीविका के लिए चीजों का परिवहन करता है। एक दिन फ्रैंक को एक निजी बैंक से 3 लोगों को एक स्थान पर ले जाने के लिए काम पर रखा गया। पता चला वे लोग वास्तव में बैंक लुटेरे हैं, लेकिन फ्रैंक को तब तक कोई परवाह नहीं है जब तक उसे भुगतान मिल जाता है। वह 3 नियमों का पालन करता है, कभी सौदा न बदले, कभी नाम न पूछे और कभी पैकेज न खोले। लुटेरे चाहते हैं कि फ्रैंक उन्हें और उनकी लूट को ले ले, लेकिन एक समस्या है, उनमें से 4 हैं और सौदा 3 के लिए था। नेता फ्रैंक को बंदूक से धमकाता है, लेकिन फ्रैंक समझौते पर अड़ा रहता है। जैसे ही पुलिस करीब आ रही है, नेता अपने ही एक आदमी को मार देता है और उसे कार से बाहर निकाल देता है। फ्रैंक आखिरकार दिखा सकता है कि वह अपनी प्रतिक्रिया समय, शांत रवैये और पूरी तरह से योजनाबद्ध मार्ग प्रबंधन में कितना सक्षम है। पुलिस गाड़ी चलाते समय मूर्खों की तरह दिखती है, जैसे कि कोई कल नहीं है। लुटेरों में से एक बीमार महसूस करता है और फ्रैंक उसे कुछ ताजी हवा लेने के लिए कहता है क्योंकि चमड़े की सीटें खराब हो गई हैं। हाल ही में वातानुकूलित उन्होंने अपना अभियान जारी रखा है और सब कुछ उसके अनुसार है योजना, लेकिन वे फंस जाते हैं जब एक कचरा ट्रक उनका रास्ता रोकता है। फ्रैंक के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो बुरी तरह झुलस जाता है और गंतव्य पर एक ट्रेलर के पीछे कूदकर भागने में सफल हो जाता है। फ्रैंक को सहमति से अधिक पैसा मिलता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है। उन्हें एविग्निन के पास ले जाया गया, लेकिन फ्रैंक ने पहले नियम के आधार पर मना कर दिया। इसके बजाय वह घर वापस जाता है, अपनी कार साफ करता है और लाइसेंस प्लेट बदलता है। वह अपने काम के लिए हमेशा नकली प्लेटों के साथ तैयार रहता है। वह लाइसेंस प्लेट नंबर बदलता है और घर चला जाता है। घर पर रहते हुए उसने एविग्निन के रास्ते में लुटेरों के खराब ड्राइविंग के कारण पकड़े जाने की खबर सुनी। एक स्थानीय पुलिस निरीक्षक टारकोन फ्रैंक से उसकी कार के बारे में पूछने के लिए जाता है क्योंकि 0 और 6 वाली लाइसेंस प्लेट वाली एक काली BMW का उपयोग गेटवे कार के रूप में किया गया था। अपनी प्लेटें बदल चुके फ्रैंक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। टारकोन को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और वो अन्य संभावित कारों की जाँच करने के लिए निकल गया। फ्रैंक को एक संभावित ग्राहक का फोन आया जिसे उस रात मदद की जरूरत थी। फ्रैंक ने उस व्यक्ति से मुलाकात की और उसे एक अमेरिकी डैरेन बेटनकोट को 50 पाउंड का पैकेज देने पर सहमति व्यक्त की। जब फ्रैंक ने बॉक्स के लिए अनुरोध किया तो वो व्यक्ति फ्रैंक को 40,000 अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। फ्रैंक के ट्रंक के अंदर रखा गया था। अगले दिन जब फ्रैंक भरे हुए बैग के साथ गंतव्य की ओर जा रहा था तो उसे एक फ्लैट टायर ठीक करने के लिए रुकना पड़ा। ट्रंक खोलते समय उसे पता चलता है कि वह एक व्यक्ति को ले जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। टायर बदल देता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। अपने तीसरे नियम को तोड़ते हुए फ्रैंक पैकेज खोलता है और अंदर एक चीनी महिला को जंजीर से बंधी हुई और मुंह बंद करके देखता है। उसे पे की पेशकश करते हुए फ्रैंक ने अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि महिला बीच सड़क पर कार की डिक्की को खटखटाने लगती है। अपना मुंह बंद करने के बाद वो फ्रैंक को पेशाब करने की आवश्यकता के बारे में बताती है। सहानुभूति महसूस करते हुए फ्रैंक महिला को बाथरूम से बाहर निकलने में मदद करता है। अप्रत्याशित रूप से लाई नाम की महिला भागने का प्रयास करती है, जिससे फ्रैंक को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसे वापस लाना पड़ता है। कार में लौटने के लिए तैयार फ्रैंक को 2 पुलिस अधिकारियों ने देखा। जवाब में फ्रैंक को अधिकारियों को अक्षम करने और उन्हें लाई के साथ ट्रंक में रखने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मर चुका है। लंबी यात्रा के बाद फ्रैंक अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे और बेटनकोट को वादा किया हुआ पैकेज दिया। जब बेटनकोट ने पैकेज की सामग्री के बारे में सवाल किया तो फ्रैंक, जिसे लिडन के नाम से भी जाना जाता है, ने जोर देकर कहा कि उसने इसे नहीं खोला है। जैसे ही फ्रैंक घर जाने वाला था, बेटनकोट ने उसे एक और नौकरी की पेशकश की जिसमें उसकी वापसी यात्रा के दौरान उसी दिशा में एक बैग पहुंचाना शामिल था। फ्रैंक सहमत हो गया और अपनी ट्रंक में अधिकारियों के लिए कुछ भोजन और जलपान लेने के लिए रास्ते में तुरंत रुक गया। दुखद बात यह है कि फ्रैंक की कार में अप्रत्याशित रूप से विस्फोट हो जाने से उसकी ट्रंक में मौजूद अधिकारियों की जान चली गई। जैसे ही वो वापस आने वाला था, ये पता चला कि फ्रैंक को चुप कराने के उद्देश्य से बेटनकोट द्वारा प्रदान किए गए ब्रीफकेस में फ्रैंक को खत्म करने के इरादे से एक बम छिपाया गया था। उस शिपमेंट के बारे में जो वह ले जा रहा था, गुस्से से भरकर फ्रैंक बदला लेने का फैसला करता है। फ्रैंक बेटनकोट के घर लौटता है जहां वह बेटनकोट के कई गुर्गों से भिड़ता है और उनसे निपटता है, कुछ को नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को घातक रूप से घायल करता है। अपने भागने के दौरान फ्रैंक वहां पार्क किए गए वाहनों में से एक को ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लाई पिछली सीट पर बंधी हुई है और उसका मुंह बंद कर दिया गया है।
एक असामान्य चाल में फ्रैंक ने लाई को अभी भी बंधा हुआ और मुंह बंद करके सड़क के बीच में रखा। हालांकि जल्दी ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए उसे लेने के लिए वापस लौट आता है। लाई को भोजन और रात के लिए रहने की जगह उपलब्ध कराने के बाद फ्रैंक उसे अगले दिन जाने का निर्देश देता है। जब फ्रैंक बिस्तर पर जाता है तो लाई को अकेले जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस शाम लाई ने गुप्त रूप से फ्रैंक के सामानों की जांच की और पता चला कि वह एक उच्च कुशल पूर्व वायु सेना सैनिक है। यह महसूस करते हुए कि फ्रैंक एक सभ्य व्यक्ति है, वह ये पता लगाने के लिए जाँच करती है कि उसके घर पर किसने हमला किया। अपने घर पर हमले के जवाब में बेटनकोट अपने जीवित बचे लोगों में से एक से मिलने अस्पताल जाता है। बेटनकोट को पता चला कि हमले के पीछे फ्रैंक का हाथ था, मामले को अपने हाथों में देता है और पुलिस को अपनी आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने से रोकने के लिए अपने ही लोगों को खत्म कर देता है। अगली सुबह एक कानून प्रवर्तन अधिकारी टकोनी फ्रैंक के घर पहुंचता है जब लाई नाश्ता तैयार कर रही होती है। टकोनी को संदेह है कि फ्रैंक उसकी ट्रंक और पास की जलती हुई कार में पाए गए दो पुलिस अधिकारियों के शवों के लिए जिम्मेदार है। फ्रैंक ने बताया कि वह पिछले दिन उस क्षेत्र में था और जब वह वहां था तो उसकी कार चोरी हो गई थी। टकोनी ने अपनी कहानी पर संदेह करते हुए फ्रैंक से फिर से पूछताछ की। अचानक लाई खुद को एक शेफ और फ्रैंक की नई प्रेमिका के रूप में पेश करते हुए सामने आई और फ्रैंक के खाते का समर्थन करते हुए उसके लिए प्रतिज्ञा की। लाई के समर्थन के बावजूद टकोनी फ्रैंक को कार घटना से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए, अंततः फ्रैंक के निवास से चले गए। जैसे ही टकोनी चली गई, फ्रैंक ने गुस्से में उसे घर और अपना जीवन दोनों छोड़ने का निर्देश दिया। फिर भी बेटनकोट और उसके सैनिकों ने फ्रैंक के घर पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके तुरंत बाद फ्रैंक ने लियोन को बचा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। फिर बेटनकोट ने अपने सैनिकों को फ्रैंक और ली के घरों पर मिसाइलें दागने का आदेश दिया ताकि उन दोनों को नष्ट कर दिया जा सके। मिसाइलों के हमले से फ्रैंक और ली बमुश्किल बच पाए, के बाद उन पर गोलीबारी की गई। अंडरवाटर चैनल पर पहुंचकर जहां आपातकालीन स्थिति के लिए फ्रैंक ने अपना गोताखोरी गियर स्थापित किया था, वे तैरकर निकटतम सेफ हाउस में पहुंच गए। अगले दिन इंस्पेक्टर टकोनी ने फ्रैंक को बुलाया और पुलिस स्टेशन में झूठ बोला ताकि वे उससे बात कर सके कि फ्रैंक के घर के टकोनी प्रश्नों के साथ क्या हुआ। फ्रैंक ने उस व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया जिसने उनके इरादों के अनुसार उसके घर में आग लगा दी थी। फ्रैंक का तर्क है कि जब ये घटना घटी तब वह समुद्र में लाई के साथ तैर रहा था, इसलिए वह अपराधी से अनभिज्ञ था। एक बार फिर टकोनी फ्रैंक के दावों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था जब उसने उसे सूचित किया। टकोनी ने तत्काल फ्रैंक को सूचित किया कि पुलिस आयुक्त को उनसे तुरंत मिलने की जरूरत है, जिससे उनका साक्षात्कार समय से पहले समाप्त हो गया। जब कोनी अपने डेस्क से दूर था, लाई ने बेटनकोट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके कंप्यूटर का उपयोग किया, जिसे बाद में उसने फ्रैंक के साथ साझा किया। सबूतों की कमी के कारण टकोनी को फ्रैंक और लाई दोनों को पुलिस स्टेशन से रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्रैंक को मरा हुआ मानते हुए बेटनकोट खतरनाक स्थिति को समाप्त करने की कोशिश करते हुए लाई को इसका पालन करने और नए सिरे से शुरुआत करने की सलाह देता है। वह बेटनकोट से जुड़े खतरों से दूर अपने विला और जीवन का पुनर्निर्माण करने का सुझाव देता है। इसके बाद लाई ने फ्रैंक को बताया कि बेटनकोट मानव तस्करी में शामिल है। उसने अपने पिता और भाई बहनों सहित 400 चीनी लोगों को गुलामी में बेचने के लिए शिपिंग कंटेनरों में बंदी बना लिया है। लाई की दुर्दशा से प्रभावित होकर फ्रैंक उसके परिवार को बचाने में उसकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फ्रैंक और लाई बेटनकोट के कार्यालय की ओर जाते हैं, जहां लाई को अपने परिवार सहित 400 चीनी व्यक्तियों को रखने वाले कंटेनर से संबंधित कागजी कार्रवाई का पता चलता है। जैसे ही फ्रैंक ने बेटनकोट पर हमला किया और उस पर राइफल तान दी, तब बेटनकोट ने फ्रैंक को सूचित किया कि क्वाई झूठ बोल रहा है कि उसके पिता बेटनकोट के बिजनेस पार्टनर हैं और मानव तस्करी में भी शामिल हैं। फ्रैंक ने सोचा कि मैंने उसे धोखा दिया है। जब शांत होकर ठगों ने दिखाया तो उसने उसके पिता पर बंदूक तान दी। आखिरकार उसे इतना डराया गया कि उसने अपने पिता की मांग मान ली कि वह अपने हथियार डाल दे। बेटनकोट ने फ्रैंक को बताया कि कंटेनर में केवल 395 चीनी है क्योंकि क्वाई के गुंडों ने उसे हरा दिया है। दूसरी तरफ टकोनी को अपने कंप्यूटर से बेटनकोट के बारे में पता चलता है, जो जानकारी प्रदर्शित करता है वह आदमी अपने कार्यालय की ओर भागता है जहां वह फ्रैंक को सोता हुआ पाता है। टकोनी ने फ्रैंक से उसे ये बताने के लिए कहा कि जब वह चेतना खोने के बाद वहां आया था तो उसके साथ क्या हुआ था। फ्रैंक ने ड्रेकोनियन को सब कुछ विस्तार से बताया और असम मानव तस्करी व्यापार के लिए सैकड़ों चीनी व्यक्तियों को कंटेनरों में रखने में बेटनकोट और लाई के पिता की भागीदारी के बारे में बताया। तात्कालिकता से आश्वस्त टकोनी ने फ्रैंक को जेल से भागने में सहायता करने का फैसला किया।
एक नकली बंधक की आड़ अपनाते हुए टकोनी ने फ्रैंक को रिहा कर दिया, ये पहचानते हुए कि वो सर्च वारंट से बाधित हुए बिना पुलिस की तुलना में मामले को अधिक तेजी से हल कर सकता है। सब कुछ ठीक होने पर फ्रैंक बेटनकोट और उसके दल के पीछे पीछे मार्सिले गोदी तक गए, जहां उनका इरादा उस शाम कंटेनरों को ट्रकों पर लादने का था। फ्रैंक की सावधानी पूर्वक तैयारियों के बावजूद उसे खोज लिया गया, जिससे फ्रैंक और बेटनकोट के गुर्गों के बीच एक अपरिहार्य गोलीबारी हुई। ट्रक को रोकने के लिए उस पर चढ़ने का प्रयास करते समय फ्रैंक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बेटनकोट के लोग उसे सफलतापूर्वक अक्षम कर देते हैं। इसके बाद फ्रैंक खुद को बेटनकोट के सबसे दुर्जेय सेनानी, एक चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी और क्विज़कून के नेतृत्व में तेज हथियारों से लैस ठगों के एक समूह का सामना करते हुए पाता है। विकट बाधाओं के बावजूद फ्रैंक अंततः उन पर काबू पाने के लिए अपने सभी युद्ध कौशल का उपयोग करता है। हालांकि बेटनकोट निडर होकर अधिक हथियारबंद लोगों को तैनात करता है, जिससे फ्रैंक को खुद को समुद्र में फेंककर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बार किनारे पर फ्रैंक एक पुराने वाहन को पकड़ लेता है और कंटेनर ले जाने वाले ट्रक का पीछा करने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से पुराना वाहन एक सुनसान ग्रामीण सड़क पर खराब हो जाता है। थककर फ्रैंक ने एक छोटे विमान को खेत की ओर जाते हुए देखा और दृढ़ निश्चय करके उसका पीछा करना जारी रखा। फ्रैंक राइफल से लैस होकर पायलट को निर्देश देता है कि उसे फ्रीवे पर कंटेनर ले जाने वाले ट्रक के करीब उड़ाया जाए। पैराशूट का उपयोग करते हुए वो एक वाहन के ऊपर उतरता है। एक बार निकटता में फ्रैंक ट्रक चालक को पीट देता है। हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे बेटनकोट और उसके तीन गुर्गों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक उन्हें लंबे और तीव्र संघर्ष के दौरान चलते ट्रक से बाहर फेंक देता है। वाहन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करते हुए फ्रैंक मालवाहक ट्रक को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, क्वाय अपने अपराधों को छुपाने के लिए फ्रैंक को मारने के इरादे से उस पर बंदूक खींच लेता है। इस बात से क्रोधित होकर कि उसकी बेटी ने उसकी अवज्ञा की और उन लोगों का पक्ष लिया जो गुलाम बनने वाले थे, क्वाई ने लाई की हत्या का आदेश भी दे दिया। एक अनिच्छुक कार्य में लाई ने फ्रैंक को बचाते हुए अपने पिता को गोली मार दी और मार डाला। इंस्पेक्टर टकोनी और पुलिस बाद में पहुंचे और कंटेनरों के भीतर बंद लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे बचाव अभियान में साहसी प्रयासों के लिए फ्रैंक की प्रशंसा करते हैं। फ्रैंक राइफल से लैस होकर पायलट को तेज आदेश देता है और उससे फ्रीवे पर बड़े कंटेनरों को ले जाने वाले तेज रफ्तार ट्रक के करीब चलने का आग्रह करता है। पैराशूट से सुसज्जित फ्रैंक छलांग लगाता है, चलते वाहनों में से एक की छत पर सटीकता के साथ उतरता है। जैसे ही एड्रेनालाइन बढ़ता है, फ्रैंक तुरंत ट्रक ड्राइवर को अक्षम कर देता है, जिससे स्थिति पर नियंत्रण सुनिश्चित हो जाता है। हालांकि शांति अल्पकालिक है, क्योंकि बेटनकोट अपने गुर्गों के साथ एक हताश जवाबी हमला शुरू करता है। कार्रवाई की आपाधापी में फ्रैंक खुद को एक भयंकर संघर्ष में पाता है, बाधाओं से जूझता हुआ। लाशें फ्रैंक की तरह उड़ती हैं, बेटनकोट के गार्डों को चलते ट्रक से बाहर फेंक देती हैं। लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष फ्रैंक के संकल्प की परीक्षा लेता है, जिससे वह थकावट के कगार पर पहुंच जाता है। फिर भी फ्रैंक विजयी होता है, वाहन पर नियंत्रण हासिल करता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। हालांकि उसका मिशन परछाई में विश्वासघात से कोसों दूर है। क्वाई बहुत क्रोधित और ठगा हुआ महसूस करते हुए गोली चलाने के लिए तैयार अपनी बंदूक के साथ फ्रैंक का सामना करता है। जैसे ही क्वाई की घटिया योजनाएं सामने आती हैं, माहौल तनावपूर्ण और डरावना लगता है, जिससे फ्रैंक के साहसी कार्य अब उतने उज्ज्वल नहीं लगते हैं। एक बहुत दुखद क्षण में सही काम करने और वफादार बने रहने के बीच उलझा हुआ महसूस करते हुए लाई एक बड़ा निर्णय लेता है। वह अपने हथियार उठाती है, अपने पिता को दुष्ट होने से रोकती है और फ्रैंक की रक्षा करती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है और लड़ाई का शोर कम हो जाता है, तो इंस्पेक्टर टकोनी और उनकी टीम सभी परेशानियों के बीच आशा लेकर आती है। वे फ्रैंक को प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, उसे इतना बहादुर होने और सभी को खतरे से बचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं।